फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खाने वाले तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कच्चे पाम तेल पर लगे टैक्स को घटा दिया है। सरकार ने टैक्स को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है, यानी टैक्स में 2.5% की कटौती की गई है। मलेशियाई बाजार में तेजी के बीच कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क में कटौती से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हल्के तेलों की मांग बढ़ने से सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तेल की कीमतों में मजबूती रही। सरसों तेल की कीमत भी सातवें आसमान पर है। अब सरसों का तेल 168 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सरसों की नई फसल आने तक कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जबकि सोयाबीन तेल के भाव में तेजी आने का कारण मांग अधिक होना व बाहर से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली की वजह से सोने चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। बीते सत्र में विदेशी बाजार में सोने चांदी मजबूती के साथ बंद हुए थे। जानकारों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव और महंगाई की चिंता के बीच सोने चांदी में मजबूती दर्ज की जा रही है। इस साल कपास उत्पादन में गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड रेट मिल रहा है। नांदेड़ जिले के मंडी में 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से कपास की खरीद हुई है। दरों में वृद्धि से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि बाजार समितियों की उत्पादकता भी बढ़ी है। महाराष्ट्र में नंदूर बार बाजार मिर्च के सबसे बड़े बाजार के रूप में माना जाता है। यहां प्रकृति के उतार चढ़ाव से मिर्च के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। उत्पादन में कमी के कारण लाल मिर्च का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। लाल मिर्च की कीमत 8,000 रुपए और सूखी लाल मिर्च की कीमत 17,500 रुपए हो गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से खबर निकलकर सामने आई है कि वहां के व्यापार मंत्रालय ने आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में उछाल के साथ साथ सोयाबीन से बनने वाले उत्पादकों की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। वहां के व्यापार मंत्रालय का मानना है कि सोयाबीन से बने उत्पादक जैसे सोया मिल्क, सोया टोफू, सोयाबीन पाउडर आदि जैसे उत्पादक महंगे हो सकते हैं। हाजिर और वायदा दोनों ही बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का फरवरी वायदा आज यानी कि हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को 6,700 के पार निकला है और 6,750 का ये हाई लगाया गया है। हाजिर में सोयाबीन का भाव सरसों की नई फसल आने के बावजूद ज्यों के त्यों बना हुआ है। वायदा में भी कीमतें सीमित दरों से बाहर निकली हैं और अब तेजी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का फरवरी वायदा 6,700 के पार निकला। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।